बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग विद जॉय। आज फिर से हाजिर एक नई रेसिपी के साथ। आज हमारे किचन में बन रहा है फ्राइज एंड चिकन रोल पराठा। तो चलो इस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लेते हैं। दो आलू के हमने फ्राइज बना लिए हैं, इसमें एक कप हमने चिकन लिया जिसे हमने लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया, एक हमने खीरा लिया इसे भी हमने लंबा लंबा काट लिया, एक हमने प्याज लिया इसे हमने कट कर लिया गोल गोल। 1 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें हॉट सॉस यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें विनेगर यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। पराठों के लिए हमने 2 कप मैदा लिया जिसमें हमने 2 टेबलस्पून घी डाल के और 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छे से घूम के रख लिया है, और 2 टेबलस्पून हम इसमें घी यूज़ करेंगे जिसमें हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। घी हमारा गर्म हो गया, आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, देख सकते हैं चिकन को हमने इस तरह से लंबा लंबा स्ट्रिप्स में कट कर लिए, ऐड कर लेंगे हल्का सा, कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं कि चिकन ने कलर चेंज कर लिया। इसमें पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे और रेड चिली सॉस यानी हॉट सॉस ऐड करेंगे। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। पास्ता अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। इसे कवर कर लेंगे। जब तक हमारा चिकन तैयार हो रहा है हम पराठे तैयार कर लेंगे। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और आटे के छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हमने। जितना बड़ा हमें पराठा बनाना होगा उतने बड़े हम बॉल्स बनाएंगे। तो हम एक बॉल लेंगे, उस पर हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे। नॉर्मल जिस तरह से हम पराठे तैयार करते हैं वो तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर हम इसे रोलिंग पिन की मदद से पराठे की शेप दे देंगे। हम साइड से करेंगे, इस तरह से हम फैला लेंगे जितना बड़ा हमें पराठा बनाना होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। पराठा हमारा तैयार हो गया, तो फिर लाकर बड़ा कर लेते हैं और हम इसे तवे पर डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें पराठा डालेंगे। इस तरह से करके ना बहुत बड़े पराठे बनाने ना बहुत छोटे बनाने, मीडियम साइज के हमने पराठे बनाने हैं। इसके लिए जब एक साइड से हल्का सा पक जाएगा तो हम इसका साइड चेंज करेंगे। चलो हम इसका साइड चेंज कर लेते हैं। हम इस पर घी लगाएंगे, हल्के से कच्चे पराठे पे घी लगाने से पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो इस तरह से फैला लेंगे, जैसे ही दूसरा साइड हल्का सा पकेगा हम इसे पलट देंगे। चलिए अब साइड चेंज करते हैं। चलिए हम इसे पलट लेते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया। इस तरह से दूसरी साइड से भी इसे हम अच्छा सा गोल्डन कलर ले आएंगे इस पर। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे पराठों को। दूसरी साइड से भी हमारा पराठा तैयार हो गया, तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सारे पराठे इसी तरह से तैयार कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब जरा चिकन को चेक कर लेते हैं, पानी ड्राई हो गया, जबरदस्त हमारी चिकन की फिलिंग रेडी हो गई है।
बस इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि पानी सारा जो रह गया वो भी ड्राई हो जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो चलिए फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन फिलिंग भी तैयार हो गई है। तो जैसे हम एक पराठा लेंगे अपना, और इस तरह से बटर पेपर पे रखेंगे और इस पर डालेंगे मायोनीज़। अपना कोई भी फेवरेट इस पर सॉस लगा सकते हैं। हम यहाँ डाल रहे हैं मायोनीज़, जितना आपको पसंद है उतना डाल सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस डाल रहे हैं हम इसे, और इन दोनों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पराठे पर फैला देंगे इस तरह से। अब हम इस पर रखेंगे फ्राइज। साथ ही अब इसमें रखेंगे हम चिकन की फिलिंग हमने तैयार की है। खीरे रखेंगे, पसंद तो डालें, नहीं पसंद तो स्किप कर दें। और साथ ही हम इसमें प्याज डालेंगे। इसे हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से साथ हम इसे बटर के साथ रैप कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त हमारा फ्राइज चिकन रोल पराठा तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी सब भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइज चिकन रोल पराठा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। फिर मिलेंगे नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।